रोखा चैनल की पाठशाला में मैं राजेंद्र चंद्रकांत राय आपका स्वागत करता हूं। इन दिनों हम फिराक गोरखपुरी साहब की रुबाइयों की व्याख्या कर रहे हैं। आज हम उनकी तीसरी रुबाई की व्याख्या करेंगे। इसके पहले हम दूसरी रुबाई की व्याख्या कर चुके हैं। तीसरी रुबाई सुनिए। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। यहाँ पर फिराक गोरखपुरी जी ने दीपावली के वातावरण का चित्रण किया है। वे बता रहे हैं कि दिवाली की शाम है, सारे घर लीप पोत करके सजा लिए गए हैं और जो खिलौने हैं बच्चों के लिए दीपावली के अवसर पर लाए जाते हैं वो सब शक्कर से बने हुए होते हैं, मिठाई के होते हैं कि उन्हें खेलिए भी और उनको खाइए भी। और जब उनकी माँ अत्यंत सुंदर स्त्री अपने चेहरे पर एक चमक लेकर के आती हुई दिखाई पड़ती है और बच्चों ने जो अपने छोटे छोटे घरघूले बनाए हैं, घरौंदे बनाए हैं, उसमें वो जब दीपक जलाती है तो उसके चेहरे की चमक और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें बच्चों के प्रति स्नेह का भाव भी प्रकट होता है। पद सौष्ठव देखते हैं। इसमें पहला है वात्सल्य रस, दूसरा दृश्य बिंब है, घरौंदे में जलाती है दिए, तीसरा है लोक भाषा का प्रयोग हुआ है और चौथा रुबाई छंद का यहाँ पर कवि ने इस्तेमाल किया है। तो यह थी फिराक गोरखपुरी की तीसरी रुबाई की व्याख्या। अगली बार हम उनकी चौथी रुबाई की व्याख्या करेंगे। कृपया इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी वेबसाइट की वेब लिंक भी मिलेगी और उससे आप वेबसाइट पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकेंगे। आपके मन में कोई सवाल हो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हमें उसका उत्तर देते हुए बेहद खुशी होगी। धन्यवाद।